हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो ईद स्पेशल है। आज हम खीर शुरमा बनाने जा रहे हैं। तो ये सेवियां से बनता है। तो यहाँ पे हमने जो सेवियां ली हैं, ये मेरे पास हल्की रोस्टेड हैं, लेकिन इसे हम घी में दोबारा से भून लेंगे। ये मैंने आधी कटोरी सेवियां ली हैं, वर्मी सेली बोलते हैं इसे। ये सूजी की सेवियां हैं। यहाँ पे आधी कटोरी ही मैंने चीनी की ली है। और यहाँ पे हमने काजू लिए हैं, इनको मैंने हाफ कट कर लिया है। किशमिश लिए हैं थोड़ी सी। और यहाँ पे मैंने छुआरा लिया है। जो छुआरा है उसको मैंने पहले पानी में भिगो के रख दिया था, फिर उसे अच्छी तरह काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। ये मेरे पास बादाम है, बादाम को मैंने भिगो के रखा थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में, और उसका छिलका निकाल के उसको भी मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया है। ये मेरे पास थोड़े से मगज हैं। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मेरे पास अब है इलायची पाउडर। मैंने 7-8 इलायची को कूट कर उसका पाउडर बना लिया है। और चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। अभी देखिए, खीर बनाने के लिए हमने दूध रखा है बॉयल होने के लिए। एक खुले बर्तन में, एक खुली कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध लिया है। फुल फैट मिल्क है ये मेरे पास। इसमें मलाई वगैरह सब इसी के अंदर है, हमने बिल्कुल निकालनी नहीं है। फुल फैट मिल्क 1 से 1.25 लीटर तक हम इसे गर्म होने के लिए रख देंगे और इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। जैसे इसमें अभी बॉयल आ चुका है, तो इसे अब हम 3-4 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल होने देंगे और मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में हम चलाते जाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तब तक, जब तक ये पक रहा है, तब तक हम इसके ड्राई फ्रूट्स रेडी कर लेते हैं। अब मैंने पैन रखा है ड्राई फ्रूट को थोड़ा भूनने के लिए। उसमें थोड़ा देसी घी डाल लेते हैं। 1 चम्मच के करीब इसमें देसी घी डालेंगे। तो यहाँ पे आपने घी का यूज़ करना है, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच मैंने देसी घी का डाला है। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल के उसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ये जो मेरा पैन है, ये स्क्रैच फ्री है, इसलिए मैं इसमें स्टील का स्पैटुला यूज़ कर रही हूँ। बाद में कई लोग बोल देते हैं कि आपने स्टील का ही डाल दिया। यहाँ पर मैं आपको नारियल का बताना भूल गई थी। 5-6 पीस टुकड़े मैंने नारियल के लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर सारे डाल देंगे, किशमिश को छोड़ देंगे, किशमिश अभी नहीं डालते हैं। और ये जो मग्स हैं, अभी इनको भी रोक लेते हैं, क्योंकि ये छोटे हैं, थोड़ा जल्दी पक जाएंगे। बाकी के हम थोड़ा पहले भून लेते हैं, 1-2 मिनट में भून जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद इसके अंदर मग्स और किशमिश डाल देते हैं। ये जब हल्के से आपको लगेंगे कि रोस्ट हो गए हैं, तो इसके अंदर आप मग्स डाल दें। फ्लेम आपने लो रखनी है, मीडियम और लो, हाई ना रखें, नहीं तो ये जल जाएंगे आपके ड्राई फ्रूट्स और कलर डार्क हो जाएगा। अब इन्हें भी डाल के इसके साथ भून लेते हैं थोड़ा सा, और 2 मिनट तक ये बिल्कुल अच्छी तरह भुन जाएंगे और इसका खुशबू आपको पता चल जाएगी। अब देखिए, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसमें किशमिश भी डाल लेते हैं। किशमिश को भी अभी इसके साथ 1 मिनट तक भून लेते हैं लो फ्लेम पे। और जब हल्की सी किशमिश फूल जाएगी, तब ड्राई फ्रूट को भूनना बंद कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। अब लीजिए, ड्राई फ्रूट्स हमारे ऑलमोस्ट भुन गए हैं। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट हम निकाल लेंगे। इसमें से 1 चम्मच के करीब रोक लेते हैं। बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स हम दूध के अंदर डाल के इसके साथ ही पकने को देंगे, इसी के साथ पका लेते हैं। देखिए, 1 चम्मच के करीब ड्राई फ्रूट्स मैंने रोके हैं गार्निशिंग के लिए। बाकी सारे इसके अंदर डाल दिए हैं और इसे इसके साथ मिलाकर हम पकाएंगे। अब जब हम इसे पका रहे हैं, तो इसके अंदर हमने केसर डाल देना है। थोड़ा केसर डालने से जो खीर का कलर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। जो सेवियाँ बनाने से कलर बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा हो जाता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और जो केसर खाना होता है वो हेल्दी भी होता है सेहत के लिए, तो आप ज़रूर डाल दें 1 पिंच पर। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। जब तक दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है, हम इसके अंदर सेवियाँ भून लेते हैं। उसी पैन के अंदर घी डाल लेते हैं थोड़ा सा। वही पैन मैंने यूज़ कर लिया ड्राई फ्रूट्स वाला। 1 बड़ा चम्मच घी का डाल लेंगे और इसके अंदर जो सेवियाँ हमने ली हैं वो डालकर इसे भून लेते हैं। इसको हमने गोल्डन होने तक भूनना है। अच्छा गोल्डन कलर लेके आना है, बिल्कुल कच्ची सी ना रहे। जितना अच्छा कलर आप लेके आओगे, उतनी टेस्टी ये हमारी सेवियाँ बनती हैं। 2-3 मिनट में ये लो फ्लेम पे अच्छी तरह भून जाएंगी। लो से मीडियम फ्लेम पे भून लें इसको। अब देखिए, कलर इसका कितना अच्छा आ गया है। अब हम इसे डाल देंगे दूध के अंदर डायरेक्टली, और पैन को भी दूध के अंदर घुमा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि पैन में जो अंदर घी लगा हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के इसको घुमा के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि जो सारा घी निकल के उस दूध में मिक्स हो जाएगा। इसे आपने ठंडा नहीं करना है, गर्म दूध में ही इसको डाल देना है। अब देखिए, गाढ़ा दूध हो गया है, क्रीमी सा लुक आ गया है अपने केसर की वजह से। अब देखिए, सेवियाँ डालते ही इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाएगा। अब थोड़ा सा दूर डाल के पैन में अच्छी तरह घुमाकर इसको इसी के अंदर डाल दें आप। अब आपने इसे पकाना है अच्छी तरह
2 से 3 मिनट इसे खुले में पका लें, और इसे फिर ढककर आपने 5 से 7 मिनट ढककर आपने पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। आपने फ्लेम हाई नहीं करनी है, लो फ्लेम पे पकाना है। फिर ये जब सेमियाँ हमारी पक जाएंगी तब हम बंद करेंगे। अब इसके अंदर मैं इलायची का पाउडर भी डाल देती हूँ ताकि इसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। ढक के छोड़ देते हैं 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, उबलने नहीं देना है आपने। जब भी इसका बॉयल आए ऊपर की तरफ तब आप इसे खोल के इसमें कड़छी चला दें, और इसी तरह बीच बीच में आपको करना पड़ेगा। अब देख लें आपको सेमियाँ पक गई हैं, 5-6 मिनट में सेमियाँ बहुत अच्छी तरह पक चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसके अंदर हम चीनी डाल देते हैं। चीनी का टेस्ट आने के लिए थोड़ा सा इसको पकाना पड़ेगा और थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। अब 5 मिनट तक और हम ढक कर इसे लो फ्लेम पर पका लेते हैं। बस 5 मिनट पकाते ही ये हमारी खीर जो हमारी सेवियाँ हैं ये रेडी हो जाएंगी। लीजिए ये सेवियाँ अब हमारी ऑलमोस्ट डन हैं, बिल्कुल अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। और मुझे यहाँ पे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स डले हैं, जो इलायची डली है और दूध की फ्लेवर सब मिक्स होने के बाद अरोमा पूरे घर में फैला हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। और आप इस टाइम टेस्ट करके देख लें मीठे का क्या है टेस्ट, मीठा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। लीजिए हमारी सेवियाँ बनकर तैयार हैं और मैंने इसे टेस्ट करके देखा है, इसका जो टेस्ट है बहुत ही रिच आया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो खोए का टेस्ट आ रहा है वैसा सा टेस्ट इसमें आता है। बहुत ही अच्छी ये सेवियाँ बनकर तैयार हुई हैं। जो ड्राई फ्रूट्स हमने ऊपर से रखे थे तो डाल देते हैं, इनको थोड़ा गार्निश कर देते हैं। और जब भी आप बच्चों को ये दें खाने के लिए तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल दें तो बच्चे बड़े चाव से खा लेते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, ये ईद स्पेशल है तो ईद पे आप ज़रूर बनाएं, नॉर्मल घर पे भी बना सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।